अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और हम लोग ने इसकी शुरुआत की है और बहुत खुशी है और हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से और जब उनकी सरकार बनी 9 साल हमको उन्होंने तीन विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति उसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे और उनके प्रति मेरा बिल्कुल तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक हम है। और इतना ज्यादा उनका था और जान लीजिए कि जब जितना दिन में रहे वो प्रधानमंत्री, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किए, तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही, हम तो उनके प्रति आदर का भाव है। इससे तो उनके विचारधारा को आज माना जा रहा है, आज के मौजूदा हालात में अटल जी का जो आइडियोलॉजी था उसको क्या मान रहे हैं? पर क्या बात करते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, उनका तो इतना अच्छा काम था, कितना बढ़िया काम किए बोलिए, और कौन कौन चीज नहीं, जो चीज भी हम करते थे, कभी भी मीटिंग होती थी तुरंत तुरंत उसको स्वीकार करते थे, और कितना ज्यादा काम हुआ हर क्षेत्र में जो हमको उन्होंने दिया, तो हर एक जगह हम काम किए हैं, सब तो बात है, आप लोगों को मालूम है, तो इसीलिए इनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव, तो हमारा तो उनके प्रति जो है, इनके प्रति जो अरे भाई कौन क्या बोलता है, हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आज कल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है, हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, अब कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है, हम तो घोषित किए थे ना जी 10 लाख हम बहाल करेंगे, तब बोलिए आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से जल्दी हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, तो कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न है जी, अगर जरा भी बालिएगा तो जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, ए बंद करो उसको, इसे छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे, और जब देश ठीक हो जाएगा तब फिर आपको अधिकार रहेगा, हो जान लो, हम जो बता रहे हैं पुराना, इसमें कई लोग हैं जो जानता है, हम तो सब लोगों का राय है, कितना ज्यादा हमको सब प्रेम करता था, मानता था, बोलिए पार्लियामेंट में थे, जरा देखिए पुरन का सब, जब हाउस में हम बोलते थे कितना ज्यादा बोलता था, यहाँ विधानसभा में भी आप जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रेस का कितना अच्छा एटीट्यूड रहा शुरू से लेके अब बात तक, लेकिन अभी आपनों पर जो दूसरे तरह का हो गया है, तभी जो करिए, हम आपनों पर कोई किसी तरह से नहीं है, लेकिन अब आपसे आपके तरफ से कुछ बुलवाया जाता है, तो ये गड़बड़ है, तो वो है, तो ये हो रहा है, तो इसलिए हम आजकल नहीं कुछ बोल रहे, बोल रहे बाकी, अरे हमारा बात सुन लीजिए, आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिएगा बेचारे, सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हो गई है, सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस को लेकर इंडिया की जो मीटिंग हुई है, सीट शेयरिंग समय पे होगा, बताया जाएगा टाइम आएगा, सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मायूसी या नाराजगी है क्या, कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या बैठक के बाद, आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वेनर इंडिया, अरे आपको हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी, ऐसा बात हो, तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा है,
हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हमने किंगल कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए, भाई सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं, एक बच गलत नहीं भाई गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है, आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं।